दोस्तों, आपको आईपीएल मैच देखते हुए अक्सर ये सवाल ज़रूर तंग करते होंगे कि आखिर आईपीएल में डांस करने वाली चीयर लीडर्स कितना कमाती होंगी, चीयर लीडर्स को एक मैच के कितने रुपए मिलते होंगे और कौन सी टीम उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे देती होगी और कौन सी टीम सबसे कम। क्या उनकी कोई फिक्स तनख्वाह होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको पैसे दिए जाते हैं और मैच के अलावा उनके ऊपरी कमे का क्या जरिया है। इसके साथ ही उनको आईपीएल के लिए किस देशों से मंगाया जाता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे माइंड कोच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आईपीएल मैचेस में पैसा पानी की तरह बहता है, खिलाड़ियों को खरीदने में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और लाइव प्रसारण के राइट्स भी अरबों में बिकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल के जलवे को बढ़ाने के लिए हर टीम के पास उनकी चीयर लीडर्स की एक टीम भी होती है, जो कि मैच के दौरान हर चौके छक्के और विकेट पर चीयर लीडर्स का डांस दर्शकों में मनोरंजन करता है और दर्शक मैच को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि ये डांस करने वाली चीयर लीडर्स कितना कमाती है। दोस्तों, पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो चीयर लीडर्स को हर मैच में लगभग 6000 से लेकर 12000 तक पैसे दिए जाते हैं। 3000 रुपये टीम जीतने पर फ्रेंचाइजी देती है और साथ ही बोनस भी दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी की तरफ से आयोजित पार्टी में अपीयरेंस और परफॉर्मेंस का अलग से पैसा मिलता है। पार्टियों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें 12 से 15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। चीयर लीडर्स को अखबारों और मैगजीनों के लिए फ़ोटोशूट की फ़ीस भी लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाती है। तो दोस्तों, ये हुई चीयर लीडर्स की बेसिक सैलरी। इसके अलावा चीयर लीडर्स को अलग से इनकम होती है, उनके खाने पीने, होटल में रहने और आने जाने का सारा खर्चा फ्रेंचाइजी उठाती है। तो कुल मिलाकर एक चीयर लीडर प्रति मैच के 40 से 50 हज़ार कमा लेती है। दोस्तों, ये बात हुई चीयर लीडर्स की ऑल ओवर कमाई की। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम चीयर लीडर्स को सबसे ज़्यादा और सबसे कम पैसे देती है। पहले आती है दोस्तों शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। इस टीम की चीयर लीडर्स कमाई के मामले में नंबर वन पर है। केकेआर हर सीज़न में चीयर लीडर्स की सैलरी में 1% का इजाफा करती है। पिछले आईपीएल में केकेआर के चीयर लीडर्स की प्रति मैच सैलरी 12000 रुपये थी और जीतने पर बोनस के 3000 रुपये अलग देती थी। दूसरे नंबर पर है विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर। इस टीम के मालिक चीयर लीडर्स को हर मैच के 10000 रुपये देती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर भारत के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की टीम है, जिसका नाम है मुंबई इंडियंस। ये चीयर लीडर्स को प्रति मैच के 8000 रुपये देती है। दोस्तों, इसके बाद 6.5 से 7 हज़ार के नीचे मिनिमम सैलरी देने वाली टीमें आती है। इनमें दिल्ली डेयर डेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स शामिल है। दोस्तों, जीतने पर सभी टीमें चीयर लीडर्स को बोनस के रूप में 3000 रुपये अलग देती है। दोस्तों, ये कमाई के आंकड़े इंडियन टी20 लीग सीज़न 10 के आधार पर लिए गए हैं। हर सीज़न में लगभग 10 से 20% बढ़ोतरी होती रहती है। जाहिर सी बात है कि ये रकम हर मैच में बढ़ती रहती है। दोस्तों, अब हम इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि चीयर लीडर्स किस देशों से मंगवाई जाती है। दोस्तों, आईपीएल के रोमांच को दोगुना करने के लिए चीयर लीडर्स दुनिया भर से आती है। ज़्यादातर अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको, फ्रांस, ब्राज़ील, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका की चीयर लीडर्स आईपीएल के मैचों में परफॉर्म करती है। चीयर लीडर्स पूरे सीज़न आईपीएल के साथ जुड़ी रहती है, साथ ही वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए घंटों तक अभ्यास भी करती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल जानकारी चीयर लीडर्स के बारे में, जिससे आपके मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।